जैसे मक्की ऐसी लग रही है दोस्तों, जैसे कि चिप्स बने हुए हैं, क्यों ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल चिप्स जैसे बना देती है। काले चने भी आप देख सकते हो, वो भी ऐसे चिप्स जैसे ही लगते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसान भाई आप कह सकते हो कि ये चने नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहे। ये यहाँ पर गेहूँ है, आप देख सकते हैं। देखिए दोस्त, क्या आपने देखे पहले इसे गेहूँ फील्ड कितना शानदार तैयार हुआ है। सबसे पहले तो मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज हम ऐतिहासिक पुष्कर मेले में आए, तो ये मैंने चार मॉडल जो कि आप फीड तैयार करते हो, अगर आप पशुपालन करते हो, बाहर से जानवरों के लिए अपने पशुओं के लिए फीड लेते हो, तो उसके अंदर आपको पता नहीं होता है कि कितने परसेंट मिलावट है, और जो आप जो सही परफेक्ट साइज़ देखते हो ना, वो साइज़ आपको नहीं मिल पाती है। तो उसी क्रम में मैंने इनकी साइज़ देखी, बहुत ही अच्छी रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इतनी अच्छी मशीनें किसान भाइयों को दिखाई जाए। तो उसी क्रम में आज हम आप सर से मिलाते हैं। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी सर, मेरा नाम अमृतपाल सिंह है और हम लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं। हमारा जो काम है, बेसिकली हम हॉर्स फीड मशीन बनाते हैं। हमारी फर्म का नाम है सौंद एग्रो इंडस्ट्रीज़, और हम यहाँ पर पुष्कर मेले में अभी एग्जीबिशन में हमारी मशीन के जो चार मॉडल्स हैं वो लेकर आए हैं। ये सभी मॉडल का काम एक ही है कि ये जानवरों के लिए दाना बनाती है। सबसे बेस्ट है कि घोड़ों के लिए स्पेशल है, आप गाय को या आप और पशुओं को भी डाल सकते हो। बेसिकली ये दाना हमारी मशीन का इसलिए बेस्ट है कि इसमें जो दाने का न्यूट्रिशन है वो 100% रहता है। दाने के जो है तत्व नहीं मरते, क्योंकि दाना जब इसमें क्या है कि रोलिंग है, ये रोलिंग मशीन है, इसमें रूले घूमते हैं। जैसे गन्ने को हम पीटते हैं, इसमें से दाना ऐसे मसल के निकलता है दो रूलों में से, तो इसलिए दाने का जो तत्व नष्ट नहीं होते। चक्की में जब हम दाना बनाते हैं तो वो गर्म हो जाता है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तीर्थ नगरी पुष्कर में पधारने के लिए, और इतनी अच्छी जानकारी किसान भाइयों तक पहुंचेगी। तो हम इस मॉडल से शुरुआत करते हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बहुत ही हेवी क्वालिटी का बना हुआ है, और इसका चद्दर भी वैसे मजबूत है, तो बहुत ही हेवी क्वालिटी का है। तो इसके बारे में किसान भाइयों को बताइए। सर, ये हमारी मशीन का सबसे छोटा मॉडल है, इसका नाम है स्टार मॉडल। ये सबसे छोटा मॉडल है जिनके पास जैसे 5 जानवर हैं, ये हम 5 जानवर तक रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन है एक क्वांटल 1 घंटे में, यानी कि 100 kg 1 घंटे में। तो सभी दाने की क्वालिटी आप यहाँ पर दाना भी देख सकते हैं, आपको सभी सैंपल दिखाएंगे। सभी मशीनों का काम एक जैसा है। जो जिनके पास कम जानवर हैं उनके लिए ये मॉडल है। अगर हम इसकी बात करें तो आपकी ये मशीनें बहुत ही हेवी क्वालिटी की है, तो कितने HP के मोटर की ज़रूरत पड़ेगी किसान भाई? जी, इसके साथ हम जो मोटर लगाते हैं वो क्रम्पटन कंपनी की 1.5 HP की मोटर लगाते हैं। ये मोटर न्यू टेक्नोलॉजी की ऑटोकट वाली मोटर है, जो कभी वोल्टेज कम ज़्यादा हो जाए तो सड़ती भी नहीं है। मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अगर कोई किसान भाई इसे लेता है तो अच्छा बिजनेस भी कर सकता है, इसमें आपका क्या राय है? बिल्कुल सर, हमारे जो सभी मॉडल हैं वो अलग अलग प्रोडक्शन के हिसाब से हमने जो है डिफ्रेंशिएट किए हैं। यहाँ पर कई जो हमारी फीड फैक्ट्री हैं वो उनके पास हमारे सबसे बड़ा मॉडल जाता है, जिसकी प्रोडक्शन 1.5 टन के आसपास है। वो फीड फैक्ट्रियाँ हमारा मुंबई, ऑल ओवर इंडिया में जाता है, जहाँ पर फीड फैक्ट्रीज हैं, तो वहाँ पर जो फीड प्रोडक्शन होती है वहाँ पर हमारी मशीन जाती है। अगर कोई किसान भाई बिजनेस के लिए भी लेना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होगा, और जैसा कि ये इससे भी हैवी क्वालिटी का है, तो इसके बारे में बताइए, इसकी कैपेसिटी कितनी है? ये सर सेकंड मॉडल है, इसका नाम है मिनी मॉडल। ये चलता है 2 HP की मोटर के साथ, और इसकी कैपेसिटी जो है वो 2.5 क्विंटल 1 घंटे में निकालती है, यानी कि 250 kg 1 घंटे में। तो जिनके पास 15, 20, 25, 30 तक जानवर हैं, जैसे घोड़े हैं या पशु हैं, तो वो हम उनको ये रिकमेंड करते हैं, उनके लिए ये सफिशिएंट है। इनके बारे में बात हो गई, अगर हम ये बात करें कि कोई किसान भाई को दाना ज़्यादा करना है, बारीक करना है, तो वो साइज हो जाता है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर बारीक करना है तो हम इसे यहाँ पर इससे टच कर देंगे इसके साथ, बिल्कुल, और इससे अधिक मोटा करना है तो इधर इसको ले, तो इसको थोड़ा सा पीछे करके यहाँ पर इसे लॉक कर देंगे। अगर हम इसकी मोटर की बात करें तो कितने HP मोटर की? इसके साथ 2 HP की मोटर लगी है, क्रम्पटन की मोटर है, सेम कंपनी की, और ये भी ऑटोकट वाली मोटर है, आप देख सकते हैं। जैसा कि सर हमने दो मॉडलों के बारे में पूरी जानकारी ले ली, और आपने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर किसान भाइयों को इस तीसरे मॉडल जो इससे भी हेवी क्वालिटी का है, ये सबसे बड़ा मॉडल आपके पास अभी, तो इसके बारे में बताइए। ये सर हमारा मीडियम मॉडल है,
ये जिनके पास 50 60 या 70 100 तक जानवर हैं वो भी ये लेते हैं, जिनके बड़े फॉर्म हैं जिनके, तो ये चलता है 3 HP की मोटर के साथ, क्रम्पटन की मोटर है। सभी मोटरें इन तीनों मॉडल में सिंगल फेस हैं, आप सिंगल सिंपल लाइट पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी प्रोडक्शन जो है वो 3.5 क्विंटल एक घंटे की है, यानी कि 350 kg पर आवर। ये तो बहुत ही शानदार मशीन है सर। जी सर, बहुत ही हेवी क्वालिटी के हैं, और जहाँ तक मेरा मानना है किसान भाइयों, इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि इतना हेवी चद्दर, इतना मतलब बहुत ही शानदार कमाल होने वाला है किसान भाइयों आपके लिए। और अगर हम हमारे अंतिम जो अभी फ़िलहाल सर के पास यहाँ पर 4 मॉडल है, सर से जानेंगे कि और भी कौन से मॉडल हैं इनके पास, ये फ़िलहाल 4 मॉडल लेकर आए हैं, तो इसके बारे में बताइए। सर, ये सेम मॉडल है जो हमने सेकंड मॉडल देखा है, मिनी मॉडल, ये हमने यहाँ पर 2 एग्जीबिशन में लगाए हैं। हमने स्टार मॉडल भी 2 लगाए थे, एक हमारी अभी सेल हो गई है यहाँ पर। और जो अब अगर आपको मैं 4th मॉडल के बारे में बताऊँ, तो वहाँ पर आप पोस्टर पर देख सकते हैं, वो 4th मॉडल हम यहाँ पर लेके नहीं आए, क्योंकि वो फीड फैक्ट्रियों में जाता है, जिसकी प्रोडक्शन आप देख सकते हो 1.5 टन से प्लस है एक घंटे में। वो इससे भी बड़ा है, मीडियम से भी इसका साइज़ बड़ा है, और वो चलता है 5 HP की मोटर के साथ। तो सर, जैसे कि आपने चारों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, अब ये दाना कैसे तैयार करती है, किस प्रकार निकलता है, इसके बारे में आप किसान भाइयों को बताइए। बिल्कुल सर, आप यहाँ पर देख सकते हैं दाने का सैंपल, ये जमी है, आप देख सकते हो इसमें दाना जो है अच्छे से प्रेस होकर बाहर निकलता है, जो जानवरों के हाजमे के लिए भी अच्छा है, और दाना वैसे भी कम लगता है। जैसे अगर आप ये आप बाजरा देख सकते हो, यहाँ पर देखिए दोस्तों बाजरे की साइज़ देखिए आप, जैसे कि आप दलिया है किसान भाई, कितना शानदार है। और ये मक्की है, हाँ, जो ये आप मक्की देख सकते हो, जैसे मक्की के इसने यहाँ पर फ्लेक्स बना दिए हैं, जैसे मक्की ऐसी लग रही है दोस्तों, जैसे कि चिप्स बने हुए हैं, क्यों ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल चिप्स जैसे बना देती है। काले चने भी आप देख सकते हो, वो भी ऐसे चिप्स जैसे ही लगते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। किसान भाई आप कह सकते हो कि ये चने नहीं है, मेरे को तो नहीं लग रहे। ये यहाँ पर गेहूँ है, आप देख सकते। देखिए दोस्त, क्या आपने देखे पहले इसे गेहूँ फीड कितना शानदार तैयार हुआ है। मेरा मानना है किसान भाइयों, अगर ये मशीन आप खरीदते हो, आपके पास ये मशीन आती है, तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में बहुत से डेयरी फार्म हैं जिनको सही से फीड नहीं मिल पाता है, आप नेचुरल फीड देंगे। तो सर ये जानकारी तो हो गई, अगर कोई किसान भाई को पसंद आता है, किसी भाई को पसंद आता है, तो उसकी बुकिंग की प्रोसेस किस प्रकार रहेगी, किस प्रकार उनके पास पहुँचेगा? सर, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर सभी पर अवेलेबल है, आप फेसबुक पे पेज भी सर्च कर सकते हो हॉर्स फीड मशीन, उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उस पर कॉन्टैक्ट करके ये आप फ़ोन पे बुक कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया में हम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है मशीन डिलीवर करते हैं। जैसा कि आपकी मशीनें बहुत ही हेवी है, तो किसान भाइयों के मन में जहन में एक क्वेश्चन आता है कि इनकी कीमत क्या रहने वाली है, तो कीमत के बारे में आप बताइए। सर, पहले मैं अपनी मशीन के बारे में एक खासियत बताऊँ कि ये इसकी मशीन की 0 मेंटेनेंस है, ये मशीन हैवी चलती है, हैवी में बनी हुई है। ये मशीन की एक तो साउंड नहीं है बिल्कुल, जो साउंड है सिर्फ मोटर की साउंड है, और जब चना बीच में से निकल गया, दाना जो हम बनाएंगे वो बीच में से, उसकी सिर्फ साउंड आएगी, उसके अलावा मशीन की कोई साउंड नहीं है। और इस मशीन में आपने खुद ही बोला कि फिनिशिंग और इसकी क्वालिटी अच्छी है, हैवी में बनी हुई है। इसके रूले जो हैं वो भी आपस में टच नहीं होते जब चलते हैं, तो उनके वो भी घिसाई नहीं है, इसलिए लॉन्ग लास्टिंग मशीन है। और हमारे पास ये सबसे छोटा मॉडल है यहाँ पर, क्योंकि प्राइस वेरी करते रहते हैं टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो यहाँ पर अभी आज का प्राइस पुष्कर मेले का ऐसा है कि सबसे छोटी मशीन जो है वो 40,000 से स्टार्ट है, और यहाँ पर सबसे बड़ा मॉडल आप अप्रॉक्सीमेटली 75,000 तक यहाँ पर हम अवेलेबल है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों के पास इतनी अच्छी जानकारी पहुँचाने के लिए, और मैंने तो इतनी शानदार मशीनें पहले कभी नहीं देखी। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने सभी किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर सके, जिन्हें कि उन्हें पता चल सके कि जो ये हमारे पंजाब से सरदार जी पुष्कर तीर्थ नगरी के अंदर पधारे, किसान भाइयों के लिए बहुत ही शानदार मशीनें लेकर आए। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं एक और ही शानदार वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।